सवाल ये रहा दोस्तों आपके लिए, किसी धन को 4 वर्षों के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता, 2% अधिक होता तो 120 रुपया अधिक होता, 2% ज्यादा होता तो 120 रुपया अधिक होता, साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन क्या है, पी का मान निकालना है। तो पी बराबर एक सूत्र होता है जो कि फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, यदि फॉर्मूला नहीं हो तो भी आप बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला पहले मैं फॉर्मूला से बता रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है। एक्स गुना 100 बटे टी, समय, समय 4 वर्ष दिया हुआ, गुना दर का अंतर, दर का अंतर क्या है, 2% है, अधिक कम जास्ती डिफरेंस ये सब वर्ड होता है अंतर का। और दूसरा है समय निकाल, दूसरा एक है यदि समय का अंतर दिया हो तो इस फॉर्मूला पे बना, दर यहाँ दिया रहेगा, यहाँ समय का अंतर से निकालना है, दोनों फॉर्मूला कल कभी जो है यहाँ दर का अंतर दिया है किसी समय हिसाब में, समय का अंतर रहेगा तो समय का अंतर से दर पूरा कर देंगे। तो इस पे बैठाते हैं एक्स गुना 100, एक्स हो गया 120 रुपया अधिक मिलता है, 120 गुना 100 बटे टाइम है 4 वर्ष और दर का अंतर कितना है 2%, कितना हो गया 4 × 8, 4 × 12, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 4 × 12, 15 × 30 यानी कि 1500 रुपया मूलधन हो गया। यदि आप मेरे पास फॉर्मूला नहीं है तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे तो भी हम आपको बता रहे हैं। 2% के 4 वर्ष में, 1 वर्ष का 2%, 4 वर्ष का 8%, 8% लग रहा है कितना में, अगर दर 8% सूद लग रहा है तो मूलधन कितना रहेगा 100, यदि हमको सूद लग रहा है कितना, इंटरेस्ट लग रहा है 120 रुपया, तो मूलधन कितना होगा, ये गलत हो, दो परसेंट अधिक लग रहा है एक वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष में 4 × 8%, 8% लग रहा है तो मूलधन 100 रुपया, जब ब्याज 120 रुपया लग रहा है तो मूलधन कितना हो जाएगा, ठीक से जब डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा, ये कितना गुना है, 15 गुना है, 15 उठी 20 से, इसको 15 से गुना कर दीजिए तो 1500 रुपया आंसर बनेगा, ये मूलधन 1500 रुपया आ गया। ये रहा सवाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपके परीक्षा के लिए है, और बनाने का भी एक तरीका इसका अलग है, एक अलग तरीके से ये सवाल बनता है, तो इसे आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। एक व्यक्ति ने 7000 में कुछ धन 6% वार्षिक दर पर, शेष धन जो कुछ बचा हुआ उधार दिया, 4% पे उधार दिया, 7000 में कुछ रुपये 6% और कुछ रुपये 4% पे उधार दिया, 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1600 रुपया मिला, टोटल इंटरेस्ट 1600 रुपया मिला, तो 6% की दर पर उसे कितना उधार दिया, कितना उधार दिया ये निकालें। तो पहले मैं टोटल दर परसेंट निकाल लेता हूं कि कितना है टोटल पे दर परसेंट, तो दर बराबर टोटल दर, कुल धन पर जो दर है, कुल धन पर दर, कुल धन पर दर जो है, दर निकाल लेते हैं, तो ब्याज कितना है 1600 गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, 1600 ब्याज है, 100 इंटरेस्ट हो गया, 7000 रुपया मूलधन गुना समय, समय कितना 5 वर्ष, ये हो गया मूलधन, ये हो गया टाइम। तो इसे निकालने के लिए क्या करना है, इसे अब कटाना है, 2 1 कट गया, 5 × 2 = 10, अरे में 16 × 32 32/7% हो गया टोटल। अब इसे निकालने के लिए पहला मैं 6%, दूसरा जो है 4% का इंटरेस्ट पर उधार देता है, तीसरे जो है टोटल निकालने के लिए रेशियो के रूप में 32/7, इसे जब घटाएंगे, इसको घटा करके इधर लिखेंगे 46, 42 में 32 घटेगा तो 32 × 10 = 42, 10/7 ये हो जाएगा 26 × 28 = 32, 4/7। अब इसे रेशियो में निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 4:10, मतलब कि 4:10 आ गया, इसे जब डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा, 2:5। अब मूलधन निकालना है तो 6% वाले पूछ रहा क्वेश्चन में, 6% का है 2, तो 2/ जिसका निकालना मूलधन बराबर 2/ टोटल 5 × 2 कितना हो गया 5 × 2 = 7 गुना 7000 टोटल मूलधन, 7 से डिवाइड करेंगे 1000, 1000 को 1000, 1000 गुना 2 = 2000 रुपया, ये 6% पे दिया गया, 7000 में 2000 6% पे और 5000 रुपया 4% पे लगाया गया। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, या एक अच्छा सवाल है, कितने समय में, क्वेश्चन है
कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 40% अधिक हो जाता है, अपना जितना है उससे 40% अधिक हो जाएगा, मतलब कि 100 है तो 140 हो जाएगा, कितने वर्षों में। एक छोटा सा फॉर्मूला है, यदि आपसे याद रहता है तो इसे याद कर ले, नहीं भी फॉर्मूला याद रहेगा तो भी एक ट्रिक बता दूंगा जो कि आपको, आप उस ट्रिक से बना सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बना रहा है, सेकंड ट्रिक से बनाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला बना रहा है। ब्याज दिया हुआ है 40% अधिक हो जाता है और दर कितना दिया हुआ है 5, समय को निकालना है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया, यानी टी बराबर क्या हो गया, टाइम बराबर 8 वर्ष। आप इस तरह बना सकते हैं, आप सोच के भी बना सकते हैं कि कोई मूलधन, मान लीजिए मेरा मूलधन जो है, अब ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, मेरा मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है, 300 रुपया है, या 100 से 105 हो जाएगा एक वर्ष में, फिर 105 से 110 हो जाएगा एक वर्ष में, 110 से 115 हो जाएगा एक वर्ष में, 120, 125, 130, 135, 140% अधिक हो गया। बढ़ते बढ़ते कितना टाइम लगा, कितना यह टाइम लगा काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट वर्ष में 40% अधिक हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी 5% है, 5 का कितना गुना है 40, ये 5 है, 5 का 40 जो है कितना गुना है 8 गुना है, 8 गुना मैंने 8 वर्ष समय, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इस सवाल को बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, आप जिस तरह से सोचे उस तरह से यह सवाल बनेगा। बथला का पार हमरी से करी हैया मोरे राजा जी कौनो लियो तो दवैया मोरे राजा जी।